नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमआई वर्सेस जीटी के मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो दिखाएंगे, साथ ही पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले और वीडियो के एंड में आपके लिए एक मस्त चीज है जो कि आपको काफी ज्यादा फायदा देगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप भी राहुल तेवतिया को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। दोस्तों आज खेले जा रहे एमआई वर्सेस जीटी के मैच में जीटी की टीम ने तो इतिहास ही रच दिया है। जीटी के बल्लेबाजों ने इस मैच में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, साथ ही जीटी के बैट्समैन ने धुआंधार पारियां भी खेली हुई है जो कि एमआई के बॉलर्स को काफी ही ज्यादा परेशान कर गई थी। और दोस्तों आज जीटी के टीम के बल्लेबाजों ने लंबे लंबे छक्के भी लगाए, कुछ गेंदें तो स्टेडियम के टॉप फ्लोर पर जा गिरी। वैसे आज जीटी के बल्लेबाजों ने एमआई के बॉलर्स का बुरा हाल कर दिया। आज टाइटल को अपने नाम करने वाली गुजरात टाइटंस के सामने घुटने टेक दी है। दोस्तों अगर आप भी देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं जीटी के टीम के पूरे बल्लेबाजी तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपका एक लाइक हमें काफी ही ज्यादा मोटिवेट करेगा। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इन दिनों आईपीएल मैचेस खेले जा रहे हैं, उन्हीं आईपीएल मैचेस का आज एक अहम मुकाबला था जो कि जीटी वर्सेस एमआई के बीच में था। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस टीम के बीच में दोनों ही टीमें कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हैं। इस मैच का टॉस जीतती है मुंबई इंडियंस की टीम और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेती है, क्योंकि मुंबई टीम के लिए काफी ही ज्यादा घातक साबित हुआ। बैटिंग करने आए गुजरात टाइटंस की टीम ने काफी बढ़िया शुरुआत की। पहले तो सुमन गिल ने अपनी टीम के लिए काफी अच्छा स्टार्ट किया और वहीं बाद में डेविड मिलर और अभिनव मनोहर ने काफी शानदार पारियां खेली, जिसके बदौलत जीटी की टीम महज 20 ओवर में 207 रन तक पहुंच गई। आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि जहां जीटी की टीम 3 ओवर्स में केवल 9 ही रन बना रखी थी, वही जीटी की टीम पूरे 20 ओवर्स में 207 रन तक पहुंच गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज इस मैच में इतने लंबे लंबे छक्के देखे गए जो एमआई टीम को काफी ही ज्यादा आश्चर्यचकित कर गए थे। लास्ट में आकर राहुल तेवतिया ने तो पूरा गदर ही मचा दिया। राहुल तेवतिया की बैटिंग लास्ट में तो काफी ही ज्यादा खास रहती है। जहां भी जीटी की टीम मुश्किलों में फंसती है वहां राहुल तेवतिया उन्हें निकालते हैं। राहुल तेवतिया शानदार बैटिंग करते हुए महज 5 ही गेंदों में 20 रन बना डाले, इसमें तो केवल उन्होंने 3 छक्के मारे हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल तेवतिया। दोस्तों जीटी टीम के खतरनाक बल्लेबाजी के बाद वो 207 रन बनाते हैं। इसके बाद एमआई की टीम बैटिंग करने आती है। बैटिंग करने आई एमआई की टीम शुरुआत से ही काफी ज्यादा लूज दिखाई दे रही थी। कैप्टन रोहित शर्मा अपना दूसरे ही ओवर में विकेट गंवा देते हैं। उनका विकेट लेने वाला कोई और नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या ही थे। उनके आउट होने के बाद ईशान किशन और कैमरॉन ग्रीन थोड़ा देर तक खेलते हैं, बाद वो भी आउट हो जाते हैं। उन दोनों के आउट होने के बाद फिर मुंबई टीम का विकेट एक के बाद एक गिरने लगता है। जहां मुंबई इंडियंस की टीम इस मैच में पकड़ बना रही थी उसे छूटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियंस टीम का विकेट गिरने का जो सिलसिला था वो जारी हो रखा। लास्ट में बदेरा ने आके शानदार बैटिंग की लेकिन वो अपनी टीम को मैच नहीं जिता सके। और दोस्तों इस मैच में अर्जुन तेंदुलकर ने भी बैटिंग की जिसमें उन्होंने एक छक्का लगाया लेकिन उन्होंने भी अपनी टीम को मैच नहीं जिता सके। और फिर दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ये मैच हार गई। दोस्तों आपको इस हाईलाइट के बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।